खबर जयपुर से, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में ट्रांसजेंडर नूर का एडमिशन हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेश की नूर के एडमिशन में मिसाल। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जिसने ट्रांसजेंडर वुमेन को बैचलर में एडमिशन दिया है। नूर शिखावत के अब पहले बर्थ सर्टिफिकेट व जनाधार कार्ड बना, उसके बाद सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने पर ही महारानी कॉलेज में एडमिशन मिला है। नूर ने बीए कोर्स में समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र विषय लिए हैं। नूर का कहना है कि मैं अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगी, साथ ही औरों को भी आगे लाऊंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुश शर्मा व शिवराज गुज्जर ने ट्रांसजेंडर नूर को रास्ता दिखाया, उन्होंने ही नूर को शिक्षा के प्रति जागरूक किया था। एडमिशन की भी आप ही दोनों ने नूर को प्रेरणा दी थी। किन्नर समुदाय पर शोध कर रहे शिवराज गुज्जर का नूर से मिलना तब हुआ था जब शिवराज ने उन्हें सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रेरित किया। कुश शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज में एडमिशन के लिए गाइड किया, साथ ही कागजी कार्रवाई को लेकर प्रेरित किया। विद्यालयों ने कहा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नूर के एडमिशन होने के बाद कॉलेज व विश्वविद्यालय के छात्रों में खुशी का माहौल है। नूर का स्वागत किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही है। नूर ने कुलपति, प्रिंसिपल व व्याख्याता गणों को भी धन्यवाद दिया। जन आवास योजना के तहत हम लोग को घर और इन सब चीजों में जैसा कि नूर अभी इस समय रिजर्वेशन चल रहे हैं, जैसे जो कास्ट रिजर्वेशन पर डिपेंड है, आप क्या चाहेंगे कि इस तरह के रिजर्वेशन के अंदर एक कॉलम आपके लिए बने अलग से? हम चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, मैम, देखिए रिजर्वेशन जो होता है ना, वो ऐसे ही लोगों को देना चाहिए जो उसकी नीड है। आप कास्टिज्म बेस्ड अगर रिजर्वेशन दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे समझ के, मेरे समझ के बाहर है। बट अगर आप जैसे कि आप मानिए कि कोई विकलांग है, PWD कोई है ना, और अगर किसी समाज है, कोई गरीब लोग हैं, आप उनकी अगर रिजर्वेशन देते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छी होती है। मेरे अकॉर्डिंग कास्टिज्म बेस्ड अगर रिजर्वेशन होते हैं तो मुझे लगता है परिवार का ही सपोर्ट नहीं रहा है इस चीज़ के अंदर, उसी का एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन मेरा परिवार जो है, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु भाई हैं जो उदयपुर में रहते हैं, तो उनका काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मेरी कम्युनिटी का, अंदर कम्युनिटी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आज से लोगों का, मुझे मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ में रह रही है, जो बायोलॉजिकल लोग हैं वो ही आपकी फैमिली है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हम उसके अलावा भी बनाते हैं, तो आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। यहाँ पे कुछ जी हैं जो यूथ का देखते हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। शिवराज जो PhD कर रहे हैं ट्रांजिट का, उनका सपोर्ट रहा है। रश्मि जी शैन का सपोर्ट रहा है, इन सब का सपोर्ट रहा है। अनूर जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि अभी महापंचायत हो रही है, हर कास्ट महापंचायत कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि किन्नर की भी एक महापंचायत होनी चाहिए राजस्थान? हाँ, मुझे लगता है। तो उसके लिए कोई प्लानिंग आपकी? अभी तो इसमें कुछ प्लानिंग नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, देखिए मुझे चीज़ों पर आइडिया भी नहीं है ना, कैसे क्या आगे पढ़ाना। मुझे बस ऐसे ही लोगों ने बोला कि आपको नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में पढ़ा हो रहा है, तो वो एक चीज़ थी। हाँ ठीक है, ट्रांजिटर जोड़ेंगे तो उसमें भी हो जाएंगे। ऐसे जैसे आप महापंचायत में कह रहे हैं, देखिए मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में ना एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का होना जरूरी है, ताकि जो हमारे मन में जो भी भावना है ना, वो कहीं ना कहीं से जरूरी हो। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि कोई पार्टी अगर आप पर विश्वास दिखाती है, आपको टिकट देती है, तो आप आगे आएंगे? अभी नहीं, अभी तो नहीं, पर अभी मेरा मेन जो फोकस रहेगा वो स्टडी पे रहेगा। मैं क्योंकि इस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ कि और जो लोग हैं, रास्ते खोलते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि आज एडमिशन ले लिया, कल मैं MLA की सीट लगी तो वहाँ पर पॉलिटिक्स का चल गया, PG छोड़ दी, वैसे नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी जैसे मैंने एजुकेशन का रास्ता खुला है हम लोग के लिए, वैसे हमारे लिए और भी आगे बहुत सी चीज़ें जो करनी है। एक बात वो बताएं कि जैसे जिस तरह से आपका ये समाज चल रहा है, अलग अलग जगह इनके सबके आपके डेरे बने हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप